get lost, we can get high. Because we're gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. When all the things go wrong, I'll take a shot for you. Give me गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल. तो मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ मैनेज. एकदम फट गया है मेरी आवाज़, साउंड बॉक्स चला गया है क्योंकि अभी तक मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम है. बट ट्रीटमेंट चल रही है उसके लिए, सो होपफुली जल्दी ठीक हो जाए. अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, हम लोग जा रहे हैं गोकर्ण. एज ऑलवेज जब भी मैं इंडिया आती हूँ, गोकर्ण का एक ट्रिप तो बनता ही बनता है. सो अभी हम, मैं, मम्मी, पापा, छोटा भाई, हम सब लोग मिलके गोकर्ण जा रहे हैं. तो आपको दिखाती हूँ द ब्यूटीफुल गोकर्ण टाउन एंड ऑल्सो वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे. जनरली कुछ ज़्यादा करते नहीं है, रिलैक्सिंग के लिए जाते हैं, बट फिर भी दिखाऊंगी क्या क्या होता है वहाँ पे. बहुत मज़ा आता है, वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशंस बोल सकते हो आप. जब भी मैं आती हूँ ना इंडिया, मुझे वहाँ जाना ही जाना है. सो अभी तैयार हो चुके हैं, पैकिंग हो चुकी है, सारा कार में बैग्स लोड हो चुके हैं. तो अभी नाश्ता कर लिया हमने एंड भी टाइम हुआ है 10:45. तो अभी निकलेंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 1:32 पहुंच जाएंगे. क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे स्टॉप्स लेते हुए जाते हैं, एकदम से, मतलब ऐसे नहीं जाते कि एक बार एक्सेलेटर पे पैर रखा तो डायरेक्ट डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है. हम बीच में बहुत सारे स्टॉप्स ले लेकर जाते हैं. तो पहुंचने के बाद बताती हूँ और दिखाऊंगी कहाँ रुके हैं. सब कुछ सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, बट देन एवरी ईयर इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस. सो आप सब लोग बहुत तारीफ़ की हो मेरे हुबली के ब्लॉग्स को, सो थैंक यू सो मच. ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से होगा. अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा मन नहीं करेगा ब्लॉगिंग करने का. तो इसलिए ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है. एंड अभी भी देखिए मैं लैपटॉप लेकर जा रही हूँ मेरे हॉलीडे पर भी, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर भी एडिटिंग करनी है. एंड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अभी मैंने एडिटिंग किए नहीं हैं, अपलोड करने हैं. जब मैं हुबली आई थी, मेरी तबीयत की वजह से ना बहुत सारे ऐसे ही क्लिप्स बचे हुए हैं जो मैंने देखे तक नहीं है रिपीट पे अभी. क्योंकि जब भी मैं शूट करती हूँ ना, उसको रिपीट देखती हूँ, अगर वो सही रहा तो तभी उसको व्लॉग में डालती हूँ मैं. सो बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिली थी तो मुझे वही थैंक यू बोलना था आप सब लोगों को, मेरे फैमिली के लिए. बहुत बेस्ट रिगार्ड्स वगैरह बहुत लोगों ने रिगार्ड्स भेजे हैं, मेरे भैया के बर्थडे पे विश किया है, मेरे नीस को अप्रिशिएट किया है. हर चीज़ अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच. सो अभी चलिए निकलते, बहुत सारी बातें हो गई. एंड मैंने नॉर्मल ऐसे ही ट्रैक पैंट्स एंड टॉप पहना है, क्योंकि वैसे भी गोकर्ण इज़ आर्स, मतलब हमारी जगह है, तो कुछ भी पहन के जाओ चलता है. सो सी यू देयर. हाय, कहाँ जा रहे हैं हम? हम गोकर्ण घूमने को, फिश खाने को जा रहे हैं. फिश खाने सिर्फ रिलैक्स, रिलैक्सेशन डेली के बिजी लाइफ से. यस, दैट्स टू डैडी. ड्राइविंग करने वालों को डिस्टर्ब नहीं करते, समझे ना? मैंने ऐसे ही कर लिया आप लोगों के लिए हाय बोलने के. तो अभी काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है अभी यहाँ पे, सो लेट्स सी गोकर्ण में कैसी गर्मी होती है. बट वी आर ऑल प्रिपेयर, सो देखते हैं. मेरे मम्मी पापा को बहुत चिंता हो रही है मेरी गले की वजह से, ये मत खा, वो मत खा, ये मत खा, वो मत खा, बट मैं सब खा रही हूँ क्योंकि फिर से नहीं मिलता है ना मौका ऐसा बार बार इंडिया आने का, खाने का. चलेगा, हेल्थ तो सही हो जाएगी, हम कर लेंगे सही, तो बस खाते रहने का. तो ये मैं 3 बार आओ, कौन मना कर रहा है? आप 2 बार आओ, मैं 1 बार आती हूँ. यस, चलो. हाय ब्रो, नॉटी बॉय. सबसे ज्यादा एक्साइटेड वो है क्योंकि उसकी स्कूल छुट्टी हो गई ना, जा रहे हैं बोल के, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है. चलिए चलते हैं, धूप है बहुत, बट इंजॉयमेंट के सामने ये सब चल जाता है. फर्स्ट स्टॉप है, इतनी खांसी के बावजूद मैं खा रही हूँ कोकोनट बनाना बन, कोकोनट तो बनाना बन खा रहे हैं. ये बहुत फेवरेट है मेरा, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी बोला है कि जब भी आप जा रहे हो तो यहाँ पे यल्लापुर में, यहाँ पे शानबाग होटल है, तो वहाँ पे आप बनाना बन खा के देखिए, बहुत यमी होते हैं. तो वो खाने के लिए रुकी हूँ मैं भी, वो खाने के बाद फिर निकलेंगे डायरेक्ट. नेक्स्ट स्टॉप होगा अंकोला, तो लेट मी हैव माय बन.
अभी यही येलापुर के पास है ना, जो ड्राई फिशेज होते हैं उसका एक दुकान है, तो वहाँ से हमने ये ड्राई बांगड़ा लिया है। तो मेरा ये फेवरेट है, मैकरल है ये मैकरल। तो बहुत सारे अलग अलग फिशेज सारे ड्राई मिलते हैं वहाँ पे, जैसे कि प्रॉन्स वगैरह सब कुछ। तो ये मैकरल लिया है यहाँ पे, तो इसको भी धूप में सुखाएंगे, इसके बाद इसकी करी बना सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही फायर के ऊपर बर्न करके ना उसको थोड़ा सा फ्राई करके खाना है। बहुत यम्मी लगता है ये वाला बांगड़ा, मालूम मुझे बहुत पसंद है। 50 रुपीज़ का पैकेट है, तो आप चाहो तो छोटे वाले भी ले सकते हो, बट हमने बड़े वाले लिए, ड्राई फिश है ये। सो जब उसकी करी बनाऊंगी ना, किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। ओके, मेरी आवाज़ बड़ी मज़ेदार हो गई है, मुझे आई एम लविंग इट। तो ये देखिए पैदल जा रहे हैं, ये किसी टेम्पल को जा रहे हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं? शिट, हमारे आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ अभी। वो देखिए बाइक और दो लोग गिर गए। ओ मैन, वो देखिए अभी जस्ट में जब व्लॉग कर रही थी तो ये दोनों गिर गए यार। शिट, फाइनली गोकर्ण पहुंच गए। अभी सबसे पहले हम होटल जाने से पहले भी ना हमारा, तो हमें फिश के शॉप पे आए हैं। ये है वो छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, घर में ही उन्होंने बाहर कंपाउंड में सेटिंग कर रखी है टेबल्स की, तो यहीं बैठकर हम खाते हैं। एंड काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे दोपहर के टाइम ना, लिटरली लाइक आपको वेट करना पड़ता है, इतने लोग रहते हैं। तो अभी एक धोड़ी बोल के, उसका मुझे इंग्लिश नाम नहीं पता है, धोड़ी फिश होती है, बहुत अच्छी होती है, एंड छोटे छोटे सिल्वर फिश होते हैं, उसका फ्राई लिया है। एंड 3 थाली ली है हमने, और अनलिमिटेड राइस होता है, कितना भी ले सकते हो आप। एंड टिपिकल जो कोंकण स्टाइल करी, कोंकण स्टाइल फिश होता है ना फ्राई, वो सब मिलता है थाली में। एंड एक सब्ज़ी भी होती है, एक्स्ट्रा फ्राई भी ले सकते हो, और उस थाली में भी एक फ्राई आता है। आई थिंक 75 रुपीज़ या 80 रुपीज़ की थाली होती है, विच इज़ स्टिल नॉट अ बैड डील, गुड डील। तो अभी खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह जस्ट पोहा खा के घर से निकले थे, अभी बहुत भूख लगी है। खाकर फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी रूम कैसी है, उससे पहले आपको थाली दिखाऊंगी कैसी दिखती, कितनी यम्मी होती है थाली। काफ़ी दिन हो गए, 1 साल हो गया मैं यहाँ पे खा के, लास्ट ईयर मैं जनवरी में खाई थी यहाँ पे, तो अभी 1 साल बाद अब खा रही हूँ, बहुत मज़ा आएगा, एक्साइटेड। ये है गोकर्णा इंटरनेशनल होटल जहाँ हम रुके हुए हैं, बहुत स्पेशियस और बहुत बड़ी रूम है। एंड यहाँ एक बालकनी है और वहाँ एक बालकनी है, और वार्डरोब है, अच्छी खासी LCD TV है, और वो मिरर है, एंड ये बेड है, और 2 फैंस हैं, और एयरकॉन भी है, देखिए रूफ वगैरह भी। और ये रहा वॉशरूम, काफ़ी बड़ा है। एंड ये बालकनी आपको शाम को दिखाऊंगी, लेट मी शो यू यहाँ सामने वाली बालकनी, ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट यही रोड है जो मेन है, मेन रोड है गोकर्ण का, तो ऐसे जाना है। और करेक्ट इसके ऑपोजिट ही वो वाला जो है वो फिश का होटल है जहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ रोज़। सो या, अभी खाना खाने के बाद बढ़िया वाला था, हम सो गए थे होटल आकर, तो अभी बाहर जा रहे हैं बीच तक, गोकर्णा बीच, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल द इंडियंस गोकर्णा बीच ऑलमोस्ट आए ही रहते हैं जो कर्नाटक साइड रहते हैं। तो अभी यहाँ पे काफ़ी गर्मी शुरू हो चुकी है, शिवरात्रि के बाद और ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम बीच की तरफ घूमने जा रहे हैं, एंड कुछ स्नैक्स लिए हैं, तो वहाँ जाकर थोड़े बहुत स्नैक्स खाएंगे हम। मैंने सिर्फ टॉप चेंज किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी ब्लैक में। तो दिखाती हूँ आपको गोकर्णा गणपति टेम्पल, लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था लास्ट ईयर मैंने, बट इस बार भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, एंड गोकर्णा बीच भी दिखाऊंगी, कुछ और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं तो वो भी दिखाऊंगी। एंड काफ़ी सारे होटल्स भी खुल रहे हैं नए वाले, तो आने वालों के लिए ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि पहले कम ऑप्शन थे लोगों के लिए, एंड शिवरात्रि जब होती है तो महंगी भी होती हैं चीज़ें। तो इस बार आई थिंक बहुत सारे होटल्स हैं तो लोगों को कम्फर्टेबल भी रहेगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए शिवरात्रि के लिए ना ये तेल रेडी कर रहे हैं, इसको ना लोग खींच के लेके जाते हैं इस रोड पे। ये जो है ना ये चैरियट रोड है, क्योंकि यहाँ से ये तेल वहाँ तक खींच के लेके जाते हैं। ये देखिए ये पहले वाला छोटा है और वो बड़ा तेल है,
सबसे फेमस गणपति टेंपल गोकर्णा की अभी शिवरात्रि के लिए डेकोरेटेड है। शिवरात्रि का फंक्शन हो रहा है तो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं उसको। सिंगिंग चल रही है बच्चों की और बड़े लेडीज की, तो वही देख के बैठे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है दूसरा दिन गोकर्ण में एंड अभी हम जा रहे हैं मेरे बड़े पापा के गांव। तो आज मैं थोड़ा इंडियन एथनिक ड्रेसिंग की हूँ। ये वाला कुर्ता ख़रीदा मैंने इंडिया में एंड ये जो पैंट प्लाजो टाइप होते हैं ना, पैंट्स होते हैं ये, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसी वाली पैंट को क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैंट्स जैसी होती है। तो मैंने थोड़ा इंडियन लुक रखा है आज, इंडियन तरह तैयार हुई हूँ कि मेरे बड़े पापा को मिलने जा रही हूँ मैं। एंड मेरा गला अभी भी वैसा ही है, बट वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ उनका गार्डन वगैरह, बहुत अच्छा है। बाय।